अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। गोशा महल के इंचार्ज है आप, आज उनको पार्टी में शमूलियत करें हैं। शेख समी नाम है, समीर है इंशाल्लाह, समीर है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हमारे राजा सिंह साहब को कॉम्पिटिट रहेंगे और गोशा महल की सीट समीर साहब पार्टी के लिए जिता कर लाएंगे, ये उम्मीद करके उनको इंचार्ज बनाया जाता है इंशाल्लाह। दो लफ्ज बोलिए। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हमारे हिंदुस्तानी फौजी भाइयों के साथ कितना खतरनाक हालात हुए, वो लोग को मार दिया गया और चाइना के लिए हम इसके सख्त मजम्मत करते हैं। चाइना डॉन डॉन, चाइना डॉन डॉन। और आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कर्नल सतीश बाबू और दूसरे सोल्जर्स के जो उन्होंने अपनी जान देकर हिंदुस्तान की आन बचाने के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। दो मिनट की खामोशी मनाते हैं। सिकंदराबाद प्रकाश नगर में आज एक शमूलियत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था आली जनाब सैयद हामिद हुसैन शुक्तारी साहब के ज़ेर निगरानी और आली जनाब हबी साहब के ज़ेर निगरानी, सोमैया साहब, गौज भाई साहब, रियाज भाई साहब के ज़ेर निगरानी। कई लोग कई मुकामात के लोग यहां आकर शमूलियत इख्तियार करे हैं और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ गौस भाई का, रियाज भाई का, कि वो काफ़ी लोगों को शमूलियत देने में दिलचस्पी रखते हुए आज जो है सो काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किए और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज यहाँ पर सिकंदराबाद हल्के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में शमूलियत हो रही है। फसी साहब हमारे, नईम साहब और काफ़ी लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। बहुत खुशी की बात है हमारी पार्टी के, हम बहुत खुश नसीब समझते हैं कि इतने स्ट्रांग लीडर्स कांग्रेस के हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं और हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी तादाद में लोगों को ज्वाइन कराएंगे और पार्टी को स्ट्रांग करेंगे। यहाँ पे अभी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी आई वेलकम ऑल दिस स्ट्रांग पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, स्पेशली फसी भाई एंड अदर अलॉन्ग विद मिनिस्टर रियाज, बोस भाई और काफ़ी लोग हैं, फहीम भाई। तो बहुत खुशी की बात है, एक इनकलाब लाना है सिकंदराबाद में, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह ताला। काफ़ी मलकाजगिरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी यहाँ पर ऐसे वोटर्स हैं जो डिसाइड नहीं कर सक रहे थे कि किसको वोट देना, कोई नई पार्टी, कोई ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म देख रहे थे, जो कि हम एक इनकलाब के शक्ल में एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं और एक खुली किताब है, ट्रांसपेरेंट पार्टी है, कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, KCR KTR की पार्टी नहीं है, राहुल गांधी राजीव गांधी की नहीं है, सलाउद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी की नहीं है, ये कॉमन पर्सन की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है। घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब लाना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार में जो है कम्युनल पार्टी जा रही है, इसलिए कि कम्युनल पार्टी को सपोर्ट करना चाह रही है और जहाँ जहाँ ये कम्युनल पार्टी जाएंगी वहाँ वहाँ ये इनकलाब की सेकुलर पार्टी जाएंगी और हर जगह उनका पीछा करेंगी, जब तक वो कम्युनल आदतें नहीं छोड़ दिए, जब तक वो अपनी सियासी संन्यास ना ले ले और इनकलाब लाकर छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब आएगा, हर घर से इनकलाब निकलेगा, हर बच्चा इनकलाब बोलेगा, हर बुज़ुर्ग इनकलाब बोलेगा और इंशाल्लाह ताला मैं यही उम्मीद रख रहा हूँ कि सब हमारे नौजवान भाइयों बहनों और बुज़ुर्ग सब आगे बढ़ के आएंगे और हमारे ही नहीं बल्कि आपकी पार्टी, अपनी पार्टी आपको चलाना है, आपको अपना नुमाइंदा चुनना है। यहाँ पर कोई बंद कमरों में फैसले होने वाले नहीं है, आम जनता में फैसला आएगा, जो जनता जिसको नॉमिनेट करेंगे उसी को टिकट दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, आप खुद टिकट देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद हामिद हुसैन शुक्तारी
कारगुजार सदर आल इंडिया मंडी से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। और जो है आज हमारे आने का मकसद यहाँ ये है कि नौजवान हमारी जमात में मेंबरशिप लेना चाहते थे और चाह रहे हैं और असल की उनकी कोशिश थी, जिसकी वजह से आज हमने मेंबर बनने का और जमात में शामिल करने का बखुशी ऐलान कर रहे हैं। हमारी जमात का मकसद ये है कि सेकुलर पार्टी है, जहाँ पर जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद की जाएंगी। हमारे पास मज़हब की बुनियाद पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा जहाँ पर जो है लोगों को नुकसान पहुँचे। हमारे साथ नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे साथ मुस्लिम्स हैं, हमारे साथ दलित हैं, क्रिश्चियंस हैं और हमारे साथ सरदार जी हैं। हमारी पॉलिसी जो है खुली आईने की तरह है। हमारा मकसद ये है कि जो है शहर हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना के अलावा हम हिंदुस्तान में हमारी जमात के हर कोने में पहुंचाएंगे और लोगों से ख्वाहिश करेंगे कि आप इनकलाब लाने की ज़रूरत है। आपकी समाजी ज़िंदगी में इनकलाब की ज़रूरत है, आपकी सियासी ज़िंदगी में इनकलाब की ज़रूरत है, आपकी माशी ज़िंदगी में इनकलाब की ज़रूरत है और आपकी तिब्बी ज़िंदगी में इनकलाब की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते हैं और जो नौजवान इस वक्त शामिल हो रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। और याद रखिए कोई भी जद्दोजहद अल्लाह ताला के पास नाकाम नहीं होती, बशर्ते खुलूस दिल के हम जब जद्दोजहद करना चाहिए। और खुशी की इस बात है जनाब गौस साहब और हमारे रियाज साहब और दीगर साथियाँ जो मौजूद हैं नौजवान, वो मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए, आवाम के दरमियान रहिए, उनके गम और उनके दुख उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके साथ ज़रूर शामिल आल रहेंगे और अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज जनाब फसी साहब, जनाब नईम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अलॉन्ग विद 100 पीपल्स आज ज्वाइन करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी जमा होकर इंशाअल्लाह एक साथ हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। वोट ऑफ थैंक्स हमारे कुरैशी साहब देंगे। शुक्रिया अदा करें। मुगटपल्ली का इंचार्ज बनाएंगे सब। खुशी से हमारे रियाज साहब की बहुत मेहनत है और इंशाल्लाह ताला और मेहनत करेंगे और पार्टी को ऊपर लाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी बहुत जस्तजो है, आपकी बहुत जद्दोजहद है, इंशाल्लाह ताला पार्टी को एक मुकाम पे लाके जरा एक मिनट रहने ग्रुप में फोटो उतार देंगे। आइए वेलकम। अब मैं फसी साहब को इन्वाइट करता हूँ। हमारे फसी साहब कांग्रेस तारुफ के कोई मोहताज नहीं है, कांग्रेस के जो है सो बड़े लीडर रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पार्टी के बैकबोन बनकर आए हैं सिकंदराबाद से, बहुत खुशी की बात है। वी वेलकम हिम। बहुत ही मलकाजगिरी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से है आप और आपको इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा वाइस लोकसभा इंचार्ज है आप मलकाजगिरी के फसी साहब। फसी भाई तो देखो इंचार्ज बनाए गए हैं फसी साहब लोकसभा के। इंशाल्लाह जो भी शमूलियत हासिल करना चाहते हैं आके रुजू हो सकते हैं। फसी साहब पहले कांग्रेस पार्टी में बहुत काम करे हैं वार्ड नंबर 2 से, आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर वार्ड नंबर 2 से भी कंटेस्ट होंगे फसी साहब भी और जीत भी हासिल दर्ज करेंगे। मलकाजगिरी सिकंदराबाद कंटोनमेंट से फसी साहब आज हमारी पार्टी में शमूलियत हासिल करें और आवाम से गुजारिश करते हैं कि दुआ की दरख्वास्त और सौजनों से फसी साहब ज्वाइन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है हमको और आगे जाके फसी साहब पार्टी के लिए बहुत काम करेंगे। और आवाम से मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जुड़िए आकर पार्टी में, इनक
खिलाफ आएंगा इंशाल्लाह। रसूलपुरा झंड बाजार जो एरियाज है वहाँ पे को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत में आने का जो है उनसे आप सुनिए बताइए था।